औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीरी बैठक और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब नवाज़ कश्मीरी। नाज़रीन, आज मौजूद हूं इस वक्त प्लाक में, दुलड़ शरीफ में। यहाँ पर हमारे पीर मुर्शद जनाब मियाँ आफ्ताब आलम साहब, जिनका चंद दिन कबल जो है वो विसाल हुआ था, आज हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी, जिसमें हमने जो है वो जनाजे के तमाम मनाजर जो है वो आपको दिखाए, और उसके अलावा जहाँ पे उनकी तदफीन करनी थी वो जगह भी आपको दिखाई। तो बहुत से हमारे ओवरसीज़ बहन भाई, उनके मुरीदैन जो कोविड-19 की वजह से या दीगर मसरूफियात की वजह से यहाँ जो है वो हाज़िर नहीं हो सके, उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो है वो हम दोबारा उनकी जो कब्र है उसकी जो है वो हम आपको वीडियो दिखाएँ। आज यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला अंदर चलते हैं, दरबार पर इंशाल्लाह ताला हाज़िरी देते हैं, आपको वो भी फुटेज दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो कहाँ तक देखिए। दरबार शरीफ पे आपको जो है वो कबूर की जो है वो ज़ियारत कराई है, तो दरबार पे हाज़िरी दी है, फातिहा ख्वानी की है। अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके वसीले से अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन ये जो बुजुर्गान दीन है इनके वसीले से जो है वो अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जो है वो जल्दी कबूल करेंगे। और बेशक ऐसा करना भी चाहिए, मांगना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, लेकिन अगर किसी के वसीले से आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआ को जल्द कबूल करेगा। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।